नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीषा पडोला है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमबीएस वर्ल्ड। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें पेपर रोल्स बनाने हैं। आप इतने साइज का पेपर ले सकते हैं। पेपर रोल बनाने के लिए हमें इस तरीके की एक स्टिक लेनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप झाड़ू की स्टिक भी ले सकते हैं, या आप इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती भी ले सकते हैं। बस इसको पकड़ के आपने ऐसे रोल करना है। और इसको फेविकॉल या ग्लू स्टिक की हेल्प से आपको पेस्ट कर लेना है एज को बिल्कुल। इस तरीके के हम कुछ 10 टू 12 रोल्स बना लेंगे और इसको साइड में रख देते हैं। अब इस तरीके का एक कार्डबोर्ड लें और उसमें एक डिजाइन बनाएंगे। इसी तरीके का एक हम दूसरा सर्कुलर पैटर्न भी बनाते हैं। अब हम इन दोनों को सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। जो सर्कुलर पीसेस अब हमने कट कर दिए हैं, अब हम इन सर्कुलर पीसेस पे और इन सभी रोल्स पे गोल्डन स्प्रे कलर करेंगे। मैं इसमें गोल्डन स्प्रे कलर यूज़ कर रही हूँ। अक्रेलिक पेंट है ये, और आपको ये किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। आपने बस दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि आपने मास्क ज़रूर पहनना है। दूसरा ये कि इसको करने से पहले इसको अच्छे से शेक कर लें इस तरीके से, और फिर स्प्रे स्टार्ट करें। तीसरा कि आपको 25 टू 30 सेंटीमीटर दूर से इसको स्प्रे करना है, बहुत पास से आप स्प्रे मत करें। अब इन पेपर रोल्स को हम लेंगे और इस तरीके का मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, इस कार्डबोर्ड में पेस्ट करना हम शुरू कर देंगे। पेस्ट करेंगे ऊपर। अब हम इसको वर्टिकली पेस्ट करेंगे। तो अब मैंने ये सारे पेपर रोल्स को फिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर हम वो जो कार्डबोर्ड हमने सर्कुलर डिस्क काटी थी उनको पेस्ट करेंगे। इस तरीके से हम इन दोनों डिस्क को पेस्ट कर देंगे। अब हम इस ब्लैक कलर से इस सर्कुलर डिस्क पे थोड़ा सा पैटर्न क्रिएट करेंगे। डाई होने के बाद मैं ये कोरल रेड कलर ले रही हूँ, और इससे एक हम सेंट्रल पैटर्न क्रिएट करेंगे। सेंट्रल पैटर्न क्रिएट करने के लिए मैं फैन ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और फैन ब्रश को मैं इस तरीके से इसमें डिप करके जो भी एक्स्ट्रा है उसमें वो मैं निकाल दूँगी इस तरीके से। और हम इस तरीके का एक स्ट्रोक, सेंटर में एक स्ट्रोक लगाएंगे बस। हैंगिंग रेडी है। अब इसको हैंग करने के लिए मैं डबल टेप का इस्तेमाल करूंगी। पीछे दो कार्डबोर्ड जहां पर है वहां पर मैं डबल टेप पेस्ट करूंगी। अब हम इसको वॉल में लगा के देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।